हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष रावत और आज हम कुछ शोल्डर एक्सरसाइज सीखने वाले हैं जिससे आप अपने शोल्डर इंजरी को ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके शोल्डर में मसल्स टियर हो गया है तो उसे किस प्रकार हील किया जाता है, आज मैं आप लोगों को वो सब एक्सरसाइज बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहले हम थेरेमेंट का यूज करते हुए वॉल का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। वॉल का सपोर्ट किस प्रकार, एक कदम आगे, वॉल से एक कदम आगे। एक कदम आने के बाद आप बैक को पूरा वॉल पे आप एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरा वॉल का सपोर्ट लेना है, बैक आपकी पूरी वॉल पे होगी, एक कदम आप स्टेप आगे रहोगे, ठीक है। नाउ थेरेबैंड को शोल्डर लेवल पर रखते हुए इस तरह से पकड़ें और स्ट्रेच करते हुए पूरा स्ट्रेच करें और दोनों हाथ दीवार पे टच करते हुए स्लोली स्लोली वापस आइए इस पर का, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सांस लीजिए, पूरा लेके जाइए, सांस लेते हुए चेस्ट को फुलाइए और दोनों हाथ वॉल पे टच किया एंड स्लोली सांस छोड़ते हुए वापस आइए। ब्रीदिंग का जरूर ध्यान दीजिएगा स्लोली, और इसको फास्ट फास्ट ऐसे ऐसे नहीं करना। ये देखिए जैसे मैं अभी कैसे कर रहा हूँ, इस प्रकार बिल्कुल नहीं करना है। जो इंजरी हुई है वो वापस से ज़्यादा हो सकती है, इसलिए स्लोली और तरीके से ब्रीदिंग के साथ। एक बार फिर से देखिए, मेरे को देखिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर स्ट्रेच करते हुए पूरा स्ट्रेच करिए एंड वॉल को टच किया एंड वापस, ओके। इस प्रकार आपने इसको करना है। सेकेंड एक्सरसाइज वापस वॉल पे ही करेंगे। अभी हम बैक वॉल पे वन स्टेप आगे, बेल्ट का जो आखिरी हिस्सा है आप राइट और लेफ्ट हैंड में पकड़ लें इस प्रकार, और जो लटकता है बीच में उसे हम पांव के नीचे दबा देंगे, इस तरह से फंसा लेंगे, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या करना है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक सीधा लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे से हमें नीचे लेके आना है। वापस देखिएगा, सांस लिया शोल्डर लेवल तक लेके आए, सांस छोड़ा धीरे से नीचे लाए। इसमें गलती क्या नहीं करनी है, जब आप ऊपर लेके आओगे तो पूरा ऊपर नहीं लेके जाना है और झटके से नीचे नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं अभी आप, ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो इंजरी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप श्वास लें तो शोल्डर लेवल तक लेके आए, श्वास छोड़ें तो धीरे से नीचे ले जाए, ठीक है। इस प्रकार आपने सेकेंड एक्सरसाइज करनी है। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में भी हमने वॉल का सपोर्ट लेना है, एक हाथ से आप इस तरह से पकड़ लें, दूसरे हाथ से इस तरह से, देखिए आधा हिस्सा मैंने इस तरह पकड़ा है, ठीक है। अभी राइट हैंड में आपकी इंजरी है, जैसे कि आपके राइट हैंड में इंजरी है तो लेफ्ट राइट हैंड को एल्बो को आपने वॉल पे टच करके रखना है इस प्रकार, ठीक है, और इसको स्ट्रेच करते हुए ये देखिए ये साइड में लेके जाना, बस इतना ही। आपकी कोहनी उठनी नहीं चाहिए, आपका एल्बो उठना नहीं चाहिए। देखिए मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं, देख रहे हैं अभी गलती मेरी, देख रहे हैं हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, ये नहीं करना है। आपने जहां पे अपनी कोहनी रख दी है ना वहीं पे रहेगा, सिर्फ आपने धीरे से इसको लेके साइड में फिर वापस लेके आए। यहां पे भी जब आप लेके जाओगे श्वास लोगे, श्वास लेते हुए इसको स्ट्रेच किया बेल्ट को भी और आर्म्स को भी, और वापस सांस छोड़ते हुए वापस लेके आए इस प्रकार। एक बार फिर से देखिएगा, श्वास लिया इसको साइड में लेके वॉल टच करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं भी होता है तो जबरदस्ती नहीं करना है, जितना होता है उतना करिएगा, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आइए इस प्रकार। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, इनहेल एंड एग्जिट, इनहेल एंड एग्जिट। इसी प्रकार हमने दूसरे हैंड से भी करना है, सेम वही चीज, इनहेल एग्जिट, इनहेल एंड एग्जिट। देख रहे हैं अभी आप, इनहेल एंड एग्जिट, इनहेल एंड एग्जिट, ओके। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी। फोर्थ एक्सरसाइज, इसमें रिवर्स करना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, फोर्थ एक्सरसाइज इसमें हमें रिवर्स करना है, जो बेल्ट हमने यहाँ से पकड़ी थी अभी हम कर रहे थे आउटसाइड, इस तरह से बाहर की तरफ लेके जा रहे थे, अभी हमने अंदर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो एक हाथ से इस तरह से आप पकड़ लीजिए बेल्ट को इस तरह से, ठीक है, या फिर किसी चीज में फंसा लें, किसी चीज में फंसा लें, किसी को बोलें पकड़े, ठीक है। तो आपने दूसरा हाथ से क्या करना है, अंदर की तरफ, ये देखिए ये आप देख रहे हैं अभी आपको दिख रहा है इस प्रकार,
सांस लिया अंदर लेके आए, सांस छोड़ा बाहर, श्वास लिया अंदर लाए, श्वास छोड़ा बाहर, श्वास लिया अंदर लाए, श्वास छोड़ा बाहर। अब इसमें एल्बो कहाँ रहेगा, ये चीज का ध्यान जरूर दे रहा है। पहले हमारा एल्बो वॉल पे टच था, अभी वॉल पे टच नहीं रहेगा, रिस्ट में, आपके रिस्ट की तरफ टच में रहेगा, ठीक है। पेट में नहीं रखना है, रिस्ट के ऊपर, रिस्ट में साइड में रखना है आपने, और इसको अंदर की तरफ मूवमेंट करना है, ये अंदर। अब देख रहे हैं आप, ये देखिए, एक बार देखिए तरफ है, मैं कैसे मूवमेंट कर रहा हूँ, ये बाहर गया अंदर आया, ये मूवमेंट। ये आपने बेल्ट को इस तरह से यहाँ साइड से पकड़ा, या किसी को पकड़वाया, या फिर वॉल पे कहीं पे फंसा दिया, या दरवाजे में कहीं पे फंसा के आपने इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये आपकी एक्सरसाइज, ओके। अब हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज, ठीक है, फिफ्थ एक्सरसाइज हम बेलन के साथ करेंगे। ये मैंने आपको मारने के लिए या डराने के लिए नहीं लेके आया हूं, इसके साथ आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सब जाइए किचन से बेलन भरकर लेके आए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेलन को किस प्रकार हमने यूज करना है, एक बार पहले मुझे देखें, फिर आप यूज करिएगा। सबसे पहले बेलन को हमने इस प्रकार पकड़ लेना है, बैक का सपोर्ट देना है, कमर सीधी रहेगी, सांस लेते हुए एल्बो को बाहर की तरफ मूव करना है, सांस छोड़ते हुए एल्बो को अंदर की तरफ लेके आना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस प्रकार आपने इसको बटरफ्लाई को करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बटरफ्लाई को हमने धीरे धीरे मूव करना है, इस प्रकार बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा, देखिए इतना फास्ट बिल्कुल कोई नहीं करेगा, गलत है, नहीं तो बेलन से मारता भी हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आराम से करना है, सांस लीजिएगा, इनहेल एल्बो बाहर, सांस छोड़िए एक्सहेल एल्बो अंदर, आराम से इनहेल एंड एक्सहेल, ओके। इस प्रकार आपने इस एक्सरसाइज को करना है, ये हमारी 5 एक्सरसाइज है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।